हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 25 नवंबर, तो 25 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टैक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये घोषणा करी है कि हम ऐसी चार दुर्लभ बीमारियों की जेनरिक दवाइयां बनाएंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि ये क्या है, अभी जैसे नॉर्मल अगर दवाई खरीदेंगे तो बहुत महंगी आती हैं, और अगर जेनरिक ये दवाई का निर्माण किया जाएगा तो बहुत सस्ते दामों में ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल बने रहेंगे। अब देखिए जो पहला आर्टिकल है वो किससे डील कर रहा है, पहला आर्टिकल राजस्थान से है। आज है 25 नवंबर, ठीक है, तो 25 नवंबर को यहाँ पर क्या है, राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहला तो राजस्थान ने क्या करा, राजस्थान में पहले 33 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 33 डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ा के अब राजस्थान में कितनी कर दी गई है, 50 डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। राजस्थान में पहले क्या थे, 7 संभाग हुआ करते थे, इसमें 3 नए संभाग और जोड़ते हुए यहाँ पर कितने संभाग कर दिए गए, यहाँ पर 10 संभाग हो गए, राजस्थान को 10 संभागों में बांटा गया। इसके अलावा राजस्थान में अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं वो कितनी है, 200 सीटें हैं, 200 सीटों में से 199 सीटों पर यहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का जो लोकसभा में कितना कितनी सीट पर रिप्रेजेंटेशन है, तो लोकसभा की अगर बात करें तो 25 सीटों पर रिप्रेजेंटेशन है राजस्थान का लोकसभा में, और राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा में कितनी सीटों पर, 10 सीटों पर रिप्रेजेंटेशन है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए आप देखिए, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट खबर है उड़ीसा से, उड़ीसा के सबसे पहले लोकेशन देखिए, ठीक है, उड़ीसा देखिए कि कौन कौन से स्टेट के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीच में आ जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा तीसरा हो गया झारखंड, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, और इधर ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है ना, ओशियन के साथ में ये अपना बॉर्डर लगाता है, तो यहाँ कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था है ना, जिसमें क्या था, जो ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल को ट्रांसफ़र की जा सकती थी, तो उस बिल को वापस से ले लिया है, ठीक है, तो इसी पर ये पूरा फोकस करते हुए कि ओडिशा रिवोक नोट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल्स की जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल्स को अगर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तो वो ओने पौने दाम में उनसे खरीद लेंगे, उनको प्रेशर देकर उनसे ज़मीन खरीद लेंगे और उसको बाद में महंगे दाम पर वो बेच सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं फिर वो क्या है, अगर ट्राइबल की लैंड अगर नॉन ट्राइबल्स को चली जाएंगी तो फिर इनके पास में ज़मीन भी नहीं रहेगी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो इनको सारी खरीद लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तीसरी जो खबर है इसरो से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसरो क्या है, 60th नंबर का जो PSLV है वो लॉन्च कर सकता है दिसंबर माह में, ठीक है, अब तक क्या है 59th PSLV रॉकेट लॉन्च कर चुका है और जो सक्सेसफुल भी रहे, अब 60वां भेज सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो 60th PSLV होगा इसके अंदर एक्सपो सेट लगा के भेजा जाएगा, ठीक है, एक्सपो सेट की फुल फॉर्म है एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, तो ये वाली सैटेलाइट आप भेजी जा सकती है 60th रॉकेट में PSLV के साथ में, ठीक है, तो ये क्या है PSLV, क्या है रॉकेट है। अब जो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमारे पोल्स में भेजा जाता है, ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पहले डिस्कशन किया था सैटेलाइट वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, हालांकि मैं इस पर एक अलग से लेक्चर लेकर और आ जाऊँगा, ठीक है, तो जो PSLV रॉकेट है इसमें क्या होता है, 4 प्रोपल्शन लगे होते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड इस तरीके से इसमें इंजन लगे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इस पर UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, जो PSLV के इंजन है वो किस तरीके से लगे होते हैं, तो सॉलिड लिक्विड इस क्रम में इंजन लगे होते हैं, जबकि GSLV में क्या होता है, GSLV में सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, तो सॉलिड सबसे नीचे फिर लिक्विड फिर सबसे ऊपर क्रायोजेनिक इंजन, तो इस तरीके से GSLV में जो रॉकेट होते हैं वो इस तरीके इंजन लगे रहते हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक, और जब PSLV में सॉलिड लिक्विड इस तरीके से इंजन लगे होते हैं, तो ये थोड़े ध्यान रख सकते हैं। इसमें कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, विकास इंजन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नो वोट फॉर वीटो, ठीक है, तो ये जो हमने कल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि गवर्नर
सेंटर की जो वीटो पावर्स है वो यहाँ दे रखी है सारी, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, तो इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। कल वाला लेक्चर आप बहुत अच्छे से उठा के देख लें, क्योंकि ये गवर्नर की जितनी भी वीटो की पावर है ये मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, जिसमें एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो ये गवर्नर को मिली होती है, पर ये पॉकेट वीटो गवर्नर को नहीं मिली होती, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है कि गवर्नर के पास में वीटो पावर नहीं होती है। गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, गवर्नर को, गवर्नर के पास में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई बिल पास करके भेजा गया है, ठीक है, तो वो उस पर या तो अपनी असेंट देगा या उसको वापस से भेज देगा या उसको प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रख सकता है, पर अपने खुद के पास में होल्ड करके नहीं रख सकता, ठीक है। होल्ड करने की पावर किससे मिलती है, पॉकेट वीटो से मिलती है। हमारे प्रेसिडेंट के पास में है पॉकेट वीटो, पर गवर्नर के पास में नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर अपने पास में किसी भी बिल को अनसर्टेन इंडिफिनिट पीरियड के लिए नहीं रख सकता, या तो उसको वापस उस पर साइन करके भेजे या उसको वापस रिटर्न कर दे या फिर उसको प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रख सकता है, ठीक है। ये वाली बात करते हुए है, और कौन से आर्टिकल में दी गई है ये पावर, जो प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए आर्टिकल 200 में गवर्नर को ये पावर दी गई है। तो ये हमने क्या, ये पूरा बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था लेक्चर, तो ये कल वाले लेक्चर में जाकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आ जाइए, ये भी जैसे मान ली ये फॉल्स अलार्म, ठीक है। तो अभी क्या है, चाइना में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे निमोनिया के केसेस की बात करें, सार्स कोविड टू की बात करें, तो वहाँ पे जो आंकड़े आ रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चाइना में अभी तक इस तरीके से डेटा रिकॉर्ड ही नहीं किए जा रहे थे, ठीक है। वहाँ पर जो केसेस हैं कोविड से रिलेटेड या फिर निमोनिया से रिलेटेड, इनकी मॉनिटरिंग ही नहीं जा रही थी, अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा केसेस बढ़ के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ये फॉल्स अलार्म क्यों बोला, फॉल्स अलार्म इसलिए बोला क्योंकि चाइना है ना, इस तरीके से जो इन फ्लू फैल रहा है चाइना के अंदर उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये जो निमोनिया से रिलेटेड बात है ना, वहां निमोनिया केसेस नॉर्थ चाइना सी के अंदर, नॉर्थ चाइना के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। तो निमोनिया होता क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हमारे जो फेफड़े होते हैं इनमें हो जाता है इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या है, सूजन आ जाती है इनके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण, और यहाँ पर जो हमारी एल्वियोलीज हैं, जो एल्वियोलिक डक्ट्स हैं, है ना, ब्रोंकियोलीज हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं ये फूल जाती है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के कारण ये हमारे को निमोनिया हो सकता है। इसमें क्या हो, हाई फीवर, स्किन डिजीजेस, लंग में कफ, शॉर्ट ब्रीथनेस, चेस्ट पेंस, इस तरह की हम ये फील कर सकते हैं। तो ये वाला लेक्चर भी हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अभी तो जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं, है ना, निमोनिया के बारे में जो मैंने पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था, तो कल वाले लेक्चर को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ओवरव्यू दिया गया है। अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट खबर। अब देखिए हम इस खबर को काफी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी क्या है, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, ठीक है, उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि सर्ट को, CERT, सर्ट क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ठीक है, तो इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कौन सा है, 2005 का है, ठीक है, तो इसके दायरे से सर्ट को अभी बाहर करा गया है। तो अब ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। सर्ट का मतलब इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से बाहर करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आ जाइए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1994 के अंदर, ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये राजस्थान PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसने सबसे पहले डिमांड करी थी किसकी, रूरल एरियाज में, कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर बाद में जो राजस्थान सरकार है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2000 लेकर आई थी यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी जो पार्लियामेंट है उसने भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पास किया था, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया था। फिर इसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन बिल ये प्रेजेंट किया गया 15 जून 2005 को हमारी पार्लियामेंट के अंदर, और बाद में ये एनफोर्स हो गया था 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसका क्रोनोलॉजी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये कब से अस्तित्व में आया है, ये 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में आया है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन जो बिल है, ये क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, नहीं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, परंतु ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है, उसको क्या करता है, उसको
पावर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज दे रखी है तो उनको सपोर्ट करता है, साथ में आर्टिकल 91A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखें, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए और ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके आरटीआई कहीं सिलेबस में टॉपिक है, वैसे तो ये पूछा ही जाता है ना। तो इसमें क्या है, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, ठीक है, तो उसमें इसमें अमेंडमेंट करते हुए ये बात करी गई है कि जो इनका टर्म है CIC का जो टर्म है पहले क्या था इसका 5 साल या 65 ईयर्स, ठीक है, 5 साल या 65 ईयर्स तक ये अपनी पोस्ट पर बने रह सकते थे CIC। अगर किसी को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया, मान लीजिए उसको 60 साल की उम्र में किया गया तो वो पूरे 5 साल रहेगा, और उसको 62 साल में करा गया तो 65 तक, मतलब जैसे 65 अटेंड करेगा तो 3 साल में ही वो रिटायर हो जाएगा। परंतु अब ये क्या है, ये प्रोविज़न हटा दिया गया है ये वाला 5 साल और 65 साल वाला, अब उसकी जगह पर क्या लिए करा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी CIC एंड IC का जो भी टर्म्स होगा एंड टेन्योर होगा, ठीक है। तो अभी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा कि भैया चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का कितना पीरियड रहेगा, कितने टाइम तक वो अपने पोस्ट पर बने रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा इसमें अमेंडमेंट किया गया, पहला अमेंडमेंट समझ में आ गया, टेन्योर अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा इसमें जो सैलरीज एंड एमोलमेंट्स होंगे CIC एंड IC के, वो किसके बराबर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होंगे, ठीक है। तो जो सैलरीज एंड एमोलमेंट्स दिए जाएंगे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को नेशनल लेवल पे, तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर ही दिए जाएंगे, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो स्टेट के CIC होंगे या ICs होंगे उनकी जो सैलरीज है वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरा अमेंडमेंट किया गया कि 2005 का जो एक्ट है इसमें बात कही गई जो अपॉइंटमेंट ऑफ द CIC एंड IC हैं, ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो इनमें क्या था, अगर जैसे मान लीजिए किसी को CIC या IC अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, अब वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट पे उसे मान लीजिए 40,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में उसको 40,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में आते हैं और यहाँ पर उसकी सैलरी मान लीजिए 1,00,000 रुपये एज ए CIC, ठीक है। तो इसमें बात ये कही गई थी पहले पुराने वाले एक्ट के अंदर कि जो 40,000 रुपये जो उसे क्या पेंशन के रूप में मिल रहे हैं तो वो यहाँ 1,00,000 रुपये में से माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब 40,000 तो वो वहाँ मिलते रहेंगे और 1,00,000 रुपये में से यहाँ 40,000 माइनस करके उसको यहाँ से 60,000 रुपये ही दिए जाएंगे और 40,000 ये दिए जाते हैं, तो टोटल मिला के 1,00,000 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये वाला जो प्रोविज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया है 2019 एक्ट में, इसको रिमूव कर दिया गया है इस प्रोविज़न को, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब जो सैलरी जो भी है वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये तीन अमेंडमेंट किए गए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 में, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाइए, देखें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, इसमें देखो जो सेक्शन 2 बात करता है पब्लिक अथॉरिटीज़ की, पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हो सकती है, तो इसके अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई और अथॉरिटीज़ या कोई बॉडी है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है या लोकल बॉडीज़ हैं, तो वो सब सम्मिलित रूप से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कवर होंगी, ठीक है। साथ साथ इसके साथ सिविल सोसाइटीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो सब इसमें इंक्लूड होंगी। वो किसके दायरे में आएंगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आ जाएंगी ये सारी बॉडीज, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 4 क्या कहता है, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन प्रोटेक्टिवली डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जिस जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड कराएगी, प्रोवाइड करने का काम करेगी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, ठीक है। और इसके अंदर बात ये कही गई है कि अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन सिक्योर करके रखनी है तो वो सिक्योर भी की जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन 7 क्या कहता है कि भाई इसके अंदर अगर टाइम प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम दिया गया है, इतने पीरियड के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देने का कार्य किया जाएगा, कौन करेगा, PIO करेगा। PIO क्या होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है जिसका मेजर काम होता है जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के द्वारा
ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सेक्शन 8, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है ओनली मिनिमम इन्फॉर्मेशन इज एग्जम्प्टेड। तो इसमें क्या है, कुछ ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्ट की गई है डिस्क्लोजर करने से। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आती हैं, जिससे लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की जाएगी, तो ये वाली बात करता है। इसके अलावा ये बात करता है कि इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे में। तो यही एग्जम्पशन है ना, सेक्शन 8 का इस्तेमाल करते हुए एग्जम्पशन में कौन सी चीज़ आ गई है, ये वाला शर्ट को एग्जम्प्ट कर दिया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये शर्ट को किससे बाहर कर दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट्स के दायरे से बाहर किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहा है, तो इसी को थोड़ा सा बाहर रखा गया है कि भाई शर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा। अब देखिए सेक्शन 19 क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स है टू ट्रायर मैकेनिज्म फॉर अपील, ठीक है। आप यहाँ पे दो ट्रायर मैकेनिज्म दिया गया है अपील करने के लिए, एक तो पहले आप इसके अंदर जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन अपीलेट है वहाँ पे अपील कर सकते हैं, बाद में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 20 क्या बात करता है, इसमें पेनल्टीज की बात करता है, अगर मान लीजिए पब्बी या यू इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस पर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, ठीक है, ये वाली बात करता है। इसके अलावा ये बात करता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट से बाहर रखा गया, कि वहाँ पे आप ना अपील कर सकते हैं ना सूट कर सकते हैं लोअर कोर्ट में, इसके लिए हायर कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। और इसको जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली गई है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को जो पावर मिली गई है आर्टिकल 226 की है ना, टू इशू अ रिट, तो वो इसके दायरे से बाहर है, रिट वो इशू कर सकते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उस वो क्या है, सेंटर और स्टेट लेवल पर प्रोवाइड कराएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दो तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, सेंटर में अलग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा और स्टेट लेवल पर अलग होगा, तो ये थोड़ी सी बातें हैं। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके दायरे से बाहर करी गई हैं, तो देखिए इसके दायरे से बाहर करी गई हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम BSF बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब इसके अलावा जो ये तीन है लास्ट के, जिसमें DRDO डिफेंस, DRDO लिख देता हूँ मैं एक बार, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन तीनों को 2016 के अंदर RTI से बाहर किया गया था, ठीक है, RTI के दायरे से बाहर किया गया था। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगर इनमें से किसी कोई मैटर जुड़ा हुआ है करप्शन, ठीक है, तो क्या होगा, या ह्यूमन राइट से कोई मैटर जुड़ा हुआ है, तब इनके ऊपर RTI लगाई जा सकती है, तब इनके ऊपर जांच पड़ताल की जा सकती है। करप्शन या ह्यूमन राइट के अगर वॉयलेशन से जुड़ा हुआ कोई मैटर है तब ये एम्बिट राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में आ जाएंगे, अदरवाइज इसे बाहर रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर ये करप्शन या ह्यूमन राइट के वॉयलेशन से जुड़ा हुआ कोई मैटर है तब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में आ जाते ही हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ से, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये डिक्लेयर किया है कि भाई वो चार ऐसी रेयर डिजीज़ हैं जिनकी जेनेटिक ड्रग्स मार्केट में उतारेंगे। अब रेयर डिजीज़ होती क्या है, देखो अगर किसी भी पॉपुलेशन में 6-8% लोगों को ही ये बीमारी है ना, जैसे मान लीजिए ये कंट्री है, इस कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसके 6-8% लोगों को ही ये बीमारी है किसी एक टाइम पीरियड में, तो हम उसको रेयर डिजीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार रेयर डिजीज़ हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, इनकी जेनेटिक ड्रग्स बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, ट्राइसोनीमिया, टायरोसिनेमिया टाइप 1, गुचर डिजीज़, विल्सन डिजीज़, डार्वेट लेनॉक्स गैस्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये चार रेयर डिजीज़ हैं जिनकी क्या बनाई जाएगी, जेनेटिक ड्रग बनाई जाएगी। अब देखिए जेनेटिक ड्रग और ब्रांड नेम ड्रग में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो ब्रांड नेम ड्रग वो ड्रग होती है जिस कंपनी ने, जैसे मान लीजिए कंपनी एक्स है, इस कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस दवाई का निर्माण किया है, तो इस दवाई पे क्या करेगी, वो पेटेंट ले लेगी, ठीक है। पेटेंट जैसे मान लीजिए उसे 20 सालों का मिल गया, तो 20 साल तक अब इस दवाई को कौन बनाएगा, सिर्फ यही कंपनी बनाएगी, एक्स कंपनी के पास ही हक है कि वो अपने ब्रांड नेम से
इस दवाई को बेचे, ठीक है, इस पर जो भी उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा किया वो उसको प्राप्त हो सके। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जेनेटिक ड्रग के तौर पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम आ रही होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण इसको हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तब उसकी जेनेटिक ड्रग्स बनाई जाती हैं, या फिर उसका पेटेंट एक्सपायर कर गया मान लीजिए, तब ये जेनेटिक ड्रग्स बनाई जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब जो ब्रांड नेम ड्रग्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर बेची जाती है, जबकि जेनेटिक ड्रग्स वेरी लो कॉस्ट पर मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इनमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है बिल्कुल सेम होता है, अगर इसे FDA से अप्रूवल कराना हो, टेस्टेड कराना हो, तो ये बिल्कुल सेम उतरेंगी, मानकों पर स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये बिल्कुल जो एक्चुअल ड्रग होती है उसका ही समरूप होता है ना। अब देखिए ये जो कौन कौन सी डिजीज़ है, किसके लिए जेनेरिक दवाई बनाई जा रही है, तो पहली डिजीज़ हो गई टायरोसिनेमिया, ठीक है। टायरोसिनेमिया क्या होता है, इसमें हमारी जो बॉडी है वो फ्यूमलरी एसीटेट एंजाइम का निर्माण करना बंद कर देती है, ठीक है। ये FAH क्या करता है, ये हमारे बॉडी में मिस हो जाता है, ये वर्क काम करना ही बंद कर देता है। जब ये FAH है ना, फ्यूमलरी एसीटेट है ना, ये जो नाम का एंजाइम है ये या तो मिस हो जाएगा, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या फिर काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये FAH हमारे शरीर में क्या करता है, टायरोसिन नामक एंजाइम को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। अब टायरोसिन जब हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं करेगा, FAH बनेगा ही नहीं, तो टायरोसिन को ब्रेक डाउन भी नहीं करेगा। जब ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो टायरोसिन क्या है, बहुत ज़्यादा घातक है, सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड के अंदर घुल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ भी हो सकती है आगे चलकर। तो ये क्या है, या तो शुरुआती स्टेज में आपको दिख जाएगा है ना, या फिर बाद में आपको जीवन में इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो ये किसी भी पीरियड में ये डेवलप हो सकता है, टायरोसिनेमिया, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ये रेयर डिजीज़ है। अब देखिए दूसरी रेयर डिजीज़ है गुचर डिजीज़, ठीक है। गुचर डिजीज़ क्या है, गुचर डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारे लिवर है, स्प्लीन है, ठीक है, तो इनमें ये क्या होता है, ये एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, इसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है, तभी क्या होती है, गुचर डिजीज़ कहलाती है। कैसे इन्फेक्शन फैलता है, आज ये इसको समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है, जब ये गुचर डिजीज़ नहीं होगी तो हमारी नॉर्मल सेल्स किस तरीके से काम करेगी, तो देखो ये हमारी नॉर्मल सेल्स हो गई, ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल्स क्या करती हैं, जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स, ठीक है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स होते हैं, इनको क्या होता है, ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं, जिसमें से ग्लूकोज और सेरेमाइड को ये अलग करती है ना। ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स में से क्या करती है, ग्लूकोज और सेरेमाइड को अलग करती है, और अलग करने के बाद में ये हमारे रेजिडुअल वैक्यूल से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाती है। परंतु जब गुचर डिजीज़ होगा तब क्या होगा, गुचर डिजीज़ होगा तो ये जो हमारी सेल्स होती हैं ये गुचर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। गुचर सेल्स में कन्वर्ट होने के कारण जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स होती हैं उनको डाइजेस्टिव वैक्यूल में जब भेजा जाता है तो उसके बाद में जो इसका ब्रेकडाउन करना था, जैसे ग्लूकोज और सेरेमाइड को अलग अलग करना था, तो ये कुछ पार्ट तो ग्लूकोज को अलग कर देगी, कुछ सेरेमाइड का कर देगी, और कुछ कंबाइन इनको बाहर निकालेगी। तो जो प्रॉपर ब्रेकडाउन है वो ना करके ये इनकम्प्लीट डाइजेक्शन कहलाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर रह जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारे लीवर है, स्प्लीन में ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो लीवर है, स्प्लीन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये देख सकते हैं इन्फेक्शन के साथ साथ ये पेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्सक्रीट होना था ये मैटर, ये बाहर ना जाकर ये अंदर ही पेट के अंदर रह गया, तो इसकी वजह से ये गुचर डिजीज़ हो रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता था, जो हमारे स्प्लीन है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये डैमेज हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए तीसरी है विल्सन डिजीज़। थर्ड डिजीज़ कौन सी है, विल्सन डिजीज़, ये भी रेयर डिजीज़ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कॉपर जो 29th एलिमेंट है, तो कॉपर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, उसकी वजह से ये विल्सन डिजीज़ होती है। विल्सन डिजीज़ क्या इफेक्ट कर सकता है, या तो हमारे ब्रेन पार्किंसन डिजीज बना सकता है, या फिर हमारी आँखों के चारों तरफ कॉपर इकट्ठा कर सकता है, जिसे कायसर
फेलिशर रिंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी हमारे कॉर्निया के चारों तरफ क्या हो रहा है, कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। इसके अलावा हमारे न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जिसे ट्रेमोर्स मतलब कपकपाना, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफिकल्ट विद द हैंड राइटिंग मतलब लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है ना, डायसेथिया मतलब आपको बोलने में जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, बोलने वाले ग्लैंड्स, वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, बोला नहीं जा सकता आपसे सही, है ना, बोलने में हिचकिचाहट, हकलाहट, ये चीज़ हो सकती है। पार्किंसन, है ना, पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, बॉडी पूरी वाइब्रेट करती है, कांपने लग जाती है, कप कपाने लगती है, ठीक है। लीवर फेलियर हो सकता है साथ में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो विल्सन डिजीज़ क्या है, इसमें कॉपर का डिपोजिशन होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कॉपर हमारे शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है, उसकी वजह से हमें विल्सन डिजीज़ हो सकता है, तो ये भी एक रेयर डिजीज़ है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लीवर चीरियोसिस में क्या हुआ है, यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, ये ब्रेन के अंदर पार्किंसन में, ब्रेन के अंदर कॉपर डिपोजिट हो जाएगा, तो ये पार्किंसन डिजीज़ कहलाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, फोर्थ डिजीज़ है डार्वेट सिंड्रोम, ठीक है, और लेनॉक्स गैस्टर सिंड्रोम। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग सिंड्रोम है, वैसे इन दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्वेट सिंड्रोम में क्या हो सकता है कि बर्थ से लेके एक साल तक के बच्चे को हो सकता है, और जो लेनॉक्स गैस्टर सिंड्रोम है ये दो से लेके पाँच साल तक के बच्चों को होता है। इसमें क्या होता है, उनको मिर्गी के दौरे आना, ठीक है, ये प्री स्टेज में बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चों को मिर्गी आ रही है, ठीक है, वो फैटिग्यू कर रहे हैं मतलब उनका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इस ये वाली प्रॉब्लम होने के कारण ब्रेन जो हमारे न्यूरोलॉजिकल संकेत हैं ब्रेन के अंदर ईईजी वेव्स का जो निर्माण होता है वो पूरी तरीके से ना होकर, जो मस्तिष्क का विकास है वो पूरा ना होकर क्या कर सकता है, वो अविकसित रह जाता है, तब इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती है, तो जिसे डार्वेट सिंड्रोम या फिर लेनॉक्स गैस्टर सिंड्रोम कहा जाता है, तो जिसमें मिर्गी के दौरे बच्चों को बहुत पहले भी देखे जा सकते हैं या बाद में भी देखे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। ये क्या क्या कहलाते हैं डार्वेट सिंड्रोम, ये रेयर डिजीज के अंदर आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट खबर है वुमेन्स प्रीमियम लीग से रिलेटेड, ठीक है। तो वुमेन्स प्रीमियम लीग्स का ऑक्शन 9 दिसंबर को मुंबई में होने जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपसे जाते जाते क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो कौन से देश से हमने लिए हैं, ठीक है, कौन से देश के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एड ऑन करी हैं। साथ में आपको ये बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बताने हैं, है ना, DPSP भी बताने हैं कि ये हमने कहाँ कौन से देश से ली हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से देश से लिए हैं, DPSP कौन से देश से लिए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किसकी रिकमेंडेशन, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन से हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी थी। तो ये आपको तीन क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें learn24academy@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें।